वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ बारिश में स्पेशल प्याज के पकोड़े। मैं आपको दो स्पेशल ट्रिक भी बताऊंगी कि पकोड़े को क्रिस्पी करारे बनाने के लिए क्या करना चाहिए, तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक। तो चलिए प्याज के पकोड़े बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने लिए है प्याज, प्याज के छिलके निकाल लिए हैं। अब हमें प्याज को कट करना है और जो ये पीछे का जड़ वाला हिस्सा होता है इसे काट कर अलग कर दे तो प्याज के लच्छे आसानी से अलग हो जाएंगे। तो हम इन्हें पतले पतले और लंबे से काट लेंगे। मैंने यहाँ पर बड़े बड़े पांच प्याज लिए हैं और इन्हें हम इस तरह से बारीक बारीक कट कर रहे हैं। प्याज को बहुत पतला या बहुत मोटा काटने से बचे, वे मध्यम रूप से पतले होने चाहिए। और जैसे कि हम अच्छी अच्छी रेसिपी लेकर आते रहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरह से हमने सभी प्याज को कट कर लिया है। अब इन्हें एक बाउल में डालेंगे। अब प्याज के एक एक लच्छे अलग अलग हो जाए इसके लिए हम हाथ से इसे मसल कर अलग अलग कर लेंगे। और ये देखिए प्याज की एक एक परत अलग अलग हो गई है। अब इसमें मैंने ऐड किया है 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, और सॉरी नमक डालते समय मैं कैमरा ऑन करना भूल गई थी, और 1 चम्मच अजवाइन डालेंगे। इसे हाथों से क्रश करके डालें तो इससे पकोड़ों में इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आएगी, और बारीक कटी हुई 3-4 हरी मिर्च। अब इन्हें मसल कर अच्छे से मिक्स करें ताकि जो प्याज के लच्छे आपस में चिपके हैं वो भी अलग अलग हो जाए। अब इसमें 4-5 चम्मच बेसन डालेंगे। बेसन हमें ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि हम प्याज के पकोड़े बना रहे हैं, इसलिए प्याज ज़्यादा होने चाहिए। बस इन पर कोटिंग हो जाए इतना ही बेसन हमें लेना है। इसे अच्छे से मिक्स करें। अब हम हरा धनिया डालेंगे, इसके बिना तो पकोड़े अधूरे हैं। अब मेरी एक ट्रिक जो पकोड़ों को और भी क्रिस्पी बनाएगी, इसमें 2-3 चम्मच कॉर्नफ्लोर या फिर चावल का आटा डालेंगे। कॉर्नफ्लोर डालने से पकोड़े और भी क्रिस्पी हो जाएंगे। इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे और यदि ज़रूरत लगे तो थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं। वैसे तो प्याज में ही इतना पानी होता है कि पानी डालने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप तत्काल बना रहे हैं तो पानी डाल लें, या कुछ समय बैटर को रखने वाले हो तो पानी बिल्कुल ना डालें। अब हमारा ये पकोड़े का बैटर बिल्कुल तैयार है। अब एक पैन या कढ़ाई में ऑयल गर्म करें। अब हम इसमें पकोड़े डाल देते हैं और इस तरह से पकोड़े फ्राई करेंगे। इन्हें पलट पलट कर फ्राई करें। यह पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और बरसात के मौसम में तो पकोड़े बनाना बनता है। इन्हें बनाएं और बारिश का आनंद लें। और ये पकोड़े फ्राई हो गए हैं, इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे।
प्लेट में आप टिश्यू पेपर भी रख सकते हैं ताकि एक्स्ट्रा ऑयल पेपर पर आ जाए। मैंने इन्हें कुछ देर न्यूज़पेपर पर रख दिए हैं। अब मैं आपको एक और ट्रिक बताऊंगी। यदि आपको बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी पकौड़े चाहिए तो यह गर्म ऑयल 2-3 चम्मच बैटर में डाल दें, फिर देखिए कमाल के पकौड़े बनेंगे और बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। आप ये भी ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। अब हमारे पास और भी बैटर बचा है तो हम सेकंड बैच भी डाल देते हैं। इन्हें भी हम बिल्कुल पहले की तरह फ्राई करेंगे। इन्हें भी दोनों साइड से पलट पलट कर फ्राई कर लेंगे। और ये हमारे पकोड़े फ्राई हो चुके हैं। इन्हें भी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इनका टेस्ट बहुत ही बढ़िया है। और यह लीजिए, तैयार है हमारे सुपर क्रिस्पी प्याज के पकोड़े। मैंने इस पे हल्का सा जीरावन छलका है और कुछ हरे धनिए के पत्ते। और आप देख सकते हैं प्याज के पकोड़े बहुत ही लाजवाब लग रहे हैं। तो आप भी मेरी इस ट्रिक से प्याज के पकोड़े जरूर बनाइए और इस रिमझिम बारिश का आनंद लीजिए। तो आप भी ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे साथ आगे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। And thank you for watching the video.